अगर आपने सलमान खान स्टारर फिल्म वांटेड देखी है तो मुझे पूरा यकीन है कि आप नकारात्मक रोल वाले इंस्पेक्टर तलपदे को नहीं भूले होंगे। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए नजर डालते हैं उस महान अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता और लेखक पर जिन्हें लोग उनके नकारात्मक रोल के लिए कभी नहीं भूलते। तो हम बात कर रहे हैं महेश मांजरेकर की। महेश मांजरेकर का जन्म 13 मई 1953 को मुंबई में हुआ था। महेश ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के डॉन बॉस्को हाई स्कूल से की और स्नातक की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। उनका एक भाई शैलेश मांजरेकर और एक बहन देवयानी मांजरेकर हैं। महेश मांजरेकर ने अपने कॉलेज के दिनों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर दीपा मेहता से मुलाकात की और उन्हें डेट करना शुरू कर दिया। दोनों ने कुछ साल की कोर्टशिप के बाद एक दूसरे से शादी कर ली, लेकिन किसी वजह से अलग हो गए। और फिर दीपा से अलग होने के बाद महेश ने मराठी अभिनेत्री मेधा मांजरेकर के साथ शादी के बंधन में बंध गए। उनका एक बेटा सत्य मांजरेकर और एक बेटी जिसका नाम अश्वमी मांजरेकर है। महेश का झुकाव छोटी उम्र से ही अभिनय की ओर हो गया था। कॉलेज में रहते ही मांजरेकर ने थिएटर करना शुरू कर दिया था। महेश मांजरेकर अपने करियर की शुरुआत साल 1984 में बहुप्रतीक्षी मराठी नाटक अफलातून के साथ अभिनय से की थी। उन्हें नाटक के लिए उनके प्रदर्शन के लिए अपार सराहना मिली। इसके बाद उन्होंने ऑल द बेस्ट, ध्यानी मनी और गिद्दे जैसे नाटक किए। महेश ने हिंदी फिल्म उद्योग में फिल्म वास्तव द रियलिटी से अपनी शुरुआत की और उसके बाद फिल्मों में काम करते चले गए। फिर उन्होंने प्लान, मुसाफिर, जिंदा और 10 कहानियां जैसी हिट फिल्मों में काम किया। एक निर्देशक के रूप में उन्हें वास्तव द रियलिटी, निदान, अस्तित्व और विरुद्ध जैसी फिल्मों के लिए श्रेय दिया जाता है। उन्होंने गायन में भी हाथ आजमाया था और काटे, सिटी ऑफ गोल्ड मुंबई जैसी फिल्मों के कई गीतों में अपनी आवाज दी। 2006 में उन्होंने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 1 में भाग लिया और शो के दूसरे रनर अप बने। महेश अपने अब तक के फिल्मी करियर में 102 फिल्में कर चुके हैं। महेश ने बतौर निर्देशक 16 फिल्में की, उनमें विरुद्ध, स्ट्रगलर, वा लाइफ हो तो ऐसी, पद्मश्री लालू प्रसाद यादव, रक्त, तेरे प्यार की कसम, पिता, हथियार, तेरा मेरा साथ रहे, एहसास, कुरुक्षेत्र, अस्तित्व, जिस देश में गंगा रहता है, वास्तव। उन्होंने पहली बार साल 2002 की फिल्म कांटे में अपने प्रदर्शन के लिए एक अभिनेता के रूप में प्रशंसा प्राप्त की और बाद में तेलुगु फिल्म ओकादुंडू और फिल्म स्लमडॉग मिलीनियर में गैंगस्टर जावेद के रूप में नकारात्मक भूमिकाएं निभाई। उन्होंने मराठी फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभाई। उन्हें हिंदी सिनेमा में फिल्म वास्तव, रन, मुसाफिर, जिंदा, ओ माई गॉड, शूट आउट एट वडाला जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई बेहतरीन फिल्में की। उन्होंने निर्देशक की दुनिया में मराठी फिल्म आई से रखा था। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के अवार्ड से नवाजा गया था। उन्होंने हिंदी सिनेमा में वास्तव जैसी फिल्में की जिसको उन्होंने हिंदी सिनेमा में नए आयाम पर पहुंचाया। आखिरी बार महेश को अभिनेता के रूप में 28 फरवरी 2020 को आई मराठी फिल्म केसरी में देखा गया था। आपको बता दें, साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर पश्चिम से MNS उम्मीदवार थे, लेकिन शिवसेना के गजानन कीर्तिकर से हार गए। उन्होंने हिंदी सिनेमा में सफलता के साथ साथ असफलता का भी मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बढ़ती उम्र के साथ महेश का हुनर कम होने की जगह निखरता ही आ रहा है और हमें उम्मीद है कि दर्शकों के बीच उनका प्यार यूं ही बना रहेगा और अपने डायरेक्शन और एक्टिंग के करियर में वो और भी बेहतर मुकाम हासिल करेंगे। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।